स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसको जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इन प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में वी हैव लर्न, हमने पढ़ा अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है इनके बारे में हमने जाना था। सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्सेज, कुछ कॉमन एसिड जो हैं और उनके सोर्स क्या हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, ये कर्ड यानी दही से मिलता है, ठीक है। आर्टिक एसिड, ये आपका विनेगर यानी सिरका से मिलता है, ठीक है। एस्क्रॉबिक एसिड यानी विटामिन सी से मिलने वाला, जो कि आंवला वगैरह से मिलता है। क्रिटिक एसिड, ये आपके सोर फ्रूट्स यानी खट्टे फलों से मिलता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फोरिक एसिड आर सम एसिड्स इन यूज इन लेबोरेटरी, यानी ये वो एसिड्स हैं जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं, यानी कि लेबोरेटरी किसे कहा जाता है, जब हम कोई केमिकल प्रोसेस करते हैं, है ना, एक तरह से लैब है ना, साइंस लैब है ना, शॉर्ट फॉर्म में लैब कहते हैं और फुल नेम क्या है, लेबोरेटरी, ठीक है। आगे क्या लिखा है, सम कॉमन बेस, अब कुछ बेसिस भी कॉमन है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर मेकअप सोप, मेकिंग सोप, यानी कि अब आपका यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज एंटिक एसिड, यानी कि एंटिक एसिड के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, नाउ वी विल लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। आज हम लोग मेटल की कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यानी कि मेटल जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट अमोंग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विच अ पॉप साउंड। अब क्या बोलते हैं कि मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, उससे नमक बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो कि जल जाती है पॉप साउंड से, ठीक है। जब वो जलती है तो कैसी आवाज़ आती है, पॉप साउंड आती है। देखिए लिखा है मेटल प्लस एसिड, अगर हम मेटल और एसिड को प्लस करा हमने, ये टेस्ट ट्यूब देखे आप, तो क्या होगा, नमक बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो जलेगी किसकी आवाज़ से, पॉप साउंड से। ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट, यानी हर तरह का मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करता है, लेकिन सबका रिएक्ट करने की जो स्टेज है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी कीप्ड इन द मेटलिक कंटेनर, इसीलिए कोई सामान अगर एसिडिक है तो उसको हम लोग मेटलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं। नाउ यू अंडरस्टूड, यानी अब आप लोग समझ गए होंगे व्हाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम अनस्टल्स, यानी कि इसीलिए आप लोग समझ चुके होंगे कि क्यों हम लोग कोई भी अचार, चाहे वो नींबू का या कोई भी अचार हो, उसे हम एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस, यानी कि अब हम बेस से अगर रिएक्ट करते हैं मेटल को तो क्या होता है। सम मेटल्स रिएक्ट विद अ बेस, यानी कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बेस से रिएक्ट हो जाते हैं, एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और वो भी सी ऊपर की तरह एसिड की तरह ही सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। कर लेंगे आप, अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए लिखा है, चेक योर सेल्फ, अपने आप को जाने, या लिखा है नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज, यानी कि कुछ एसिड्स के नाम देखें और वो एसिड्स कहाँ से मिलते हैं इसके बारे में बताएँ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं सारे एसिड्स के नेम। यहाँ पे मैंने आपके टोटल चार लिखा दिए, तो आप ये चारों लिख लेंगे। लैक्टिक एसिड, ये आपके योगर्ट्स यानी दही में होता है। एक्टिक एसिड जो होता है ये विनेगर में होता है। एस्क्रॉबिक एसिड जो होता है ये आपका विटामिन सी यानी आंवला में होता है। अक्रिटिक एसिड जो होता है ये आपका खट्टे फल जो सोर फ्रूट्स होते हैं उनमें होता है, जैसे कि आपका लेमन वगैरह। कर लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाई पिकल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम स्टिल्स, यानी कि जो आपके अचार है उसको हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रख सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए हम इसका लिखेंगे कि पिकल्स इन एल्युमिनियम एंड स्टाइल इट्स शुड नॉट बी कीप्ड बिकॉज, हम अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखते हैं क्योंकि पिकल्स एंड एसिड, यानी कि जो अचार है वो एक एसिड है, एंड द रिएक्शन स्टार्ट व्हेन एल्युमिनियम इज अ मेटल,
है ना, क्योंकि एल्युमिनियम एक मेटल है, इसीलिए उनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड बोथ कम कॉन्टेक्ट विद, यानी कि जब वो आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कर लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या होगा जब हम मेटल को एसिड से रिएक्ट कराते हैं। तो देखिए आप यहाँ से लिखेंगे कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इससे सॉल्ट निकलता है ना, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि बाद में पॉप साउंड के साथ जल जाती है, ठीक है ना। कर लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, सडन बर्न ऑफ अ गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस, यानी अगर आप किसी गैस को जला रहे हैं और उसके अंदर से पॉप साउंड आता है तो वो कौन सी गैस के होने का इशारा करती है, आप क्या समझेंगे कौन सी गैस है इसके अंदर। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि भाई अगर हमने कोई गैस को जलाया और उसके अंदर से पॉप साउंड निकल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मौजूद है। कौन सी गैस मौजूद है, हाइड्रोजन गैस, है ना। कर लेंगे, उम्मीद करती हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, आज की वर्कशीट में बस इतना ही। आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।